वेलकम बैक टू द बिशप स्कूल प्री प्राइमरी स्टैंडर्ड जूनियर के जी एंड टूडे वी आर हैविंग एरिक राइटिंग एग्जाम। सो चिल्ड्रेन, बिफोर वी स्टार्ट विद द एग्जाम, लेट्स रिसाइट अ स्कूल प्रेयर। चिल्ड्रेन, स्टैंड इन योर प्लेसेस एंड जॉइन योर हैंड्स। ऑलमाइटी गॉड ग्रांट ग्रेस टू द मेंबर्स ऑफ दिस स्कूल टू बी sincere in work, play and prayer, so that teachers and taught learning from each others may become more fit for the service and the service of their fellows. Okay, you may open your eyes and sit down. Okay, children, this is your test book. Previous test also we had conducted in the same book, and this time also we are going to have final exam in the same test book. You don't have to make a new book. आपको नई book नहीं बनानी है, इसी test book में आपको final exam भी लिखना है. Is that clear, parents? Okay. Open your test book, children. लास्ट टेस्ट वी हैड रिटन ओवर योर सेकेंड यूनिट टेस्ट। लास्ट टेस्ट में हम लोग ने क्या लिखा था? सेकेंड यूनिट टेस्ट। ओके, ओके, नाउ टेक दिस पेज वे नंबर 5 इज रिटन। यू हैव टू टेक दिस पेज एंड राइट ओवर योर फाइनल एग्जाम। Once you have done, 5 number पे आपने लिखा final exam, you have to leave this page. ठीक है, ये page आपको leave करनी है. And now take the next page. Okay? Now write over your today's date on 6th number, जहाँ पर 6th number लिखा हुआ है. Okay? Write over here in the corner today's date. What is today's date? 15th April. ओके, आज की डेट क्या है? 15th April. सो वॉट यू हैव टू राइट? 15-4-21, 15-4-21, एंड पुट योर टू डॉट्स। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन, 1, 2, 3। अभी आपको डॉट्स डालने आते हैं। ओके, वंस यू आर डन दिस, you have to write a set of number. On this page you have to write set of numbers. So first set is 60-75. Okay, upar aapko kya likhne ka hai? 60-75. You have to write the numbers from 60 to 75. Okay, this is your first set. Okay, teacher ne aapko 4 set diya tha practice karne ke liye. So out of 4 set teacher आज 2 सेट, टीचर ने आपको 2 सेट पूछा है एग्जाम में। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट सेट। यू हैव टू राइट द नंबर्स फ्रॉम 60 to 75। ओके, ऊपर आपने लिखा 60-75, आपने 2 डॉट्स डाला। ओके, ना विच नंबर यू कैन सी चिल्ड्रन ओवर योर? 60, तो आपको यहाँ पर 60 लिखना है। ओके, ये बॉक्स में 6 and 0, 60। सो यू हैव टू बिगिन फ्रॉम 60 नंबर। आपको स्टार्ट करना है 60 नंबर से। 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Then you have to leave one box. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Then leave one box. 74 and 75. When 75 comes, you have to stop. Okay, you have to start from 60. Okay, 60 से चालू करना है. When 70 comes, you have, 75 comes, you have to stop. सेट ऑफ नंबर, फर्स्ट सेट ऑफ नंबर, विच नंबर यू कैन सी? 60, तो आपको 60 लिखने का है फर्स्ट, और फिर नंबर्स चालू करना है। इज दैट क्लियर? ओके, आपने लिखा ये ऐसा 6th पेज पे। ओके, नाउ टेक योर नेक्स्ट पेज, ऐसा बैक साइड पेज लो बिहाइंड। ओके,
Now here you are going to write the next set of numbers. Okay? एक सेट ऑफ नंबर्स हो गए ना, अब यहाँ पर दूसरा नंबर लिखने का है, तो टीचर के साथ साथ लिखो 85-100, ओके 85-100, सो यू हैव टू राइट द नंबर्स फ्रॉम 85 to 100, ओके 85 से लेके 100 तक के आपको नंबर्स लिखने हैं. अगेन पुट टू डॉट्स, ओके काउंट फ्रॉम आप ऐसा काउंट करो और यहाँ पर टू डॉट्स डालो. You have to write the numbers from 85 to 100. So first number which you can see 85. तो यहाँ पर आपको 85 लिखने का है, 85. ठीक है, वंस यू हैव रिटन 85 आपको फिर नंबर्स चालू करने हैं, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, leave one box, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, then leave one box, 99, 100. ओके आपको पता है ना 100 कैसे लिखा जाता है, 100, 100, ओके ये सेट ऑफ नंबर्स हो जाएगा. तो फिर आपको नेक्स्ट पेज लेनी है, नेक्स्ट पेज पे क्या लिखना है, नंबर नेम्स. ओके नाउ लीव लिटिल स्पेस ओवर योर एंड राइट ओवर योर एन ओ, लिखा आपने कैपिटल लेटर एन एंड स्मॉल लेटर ओ, पुट वन डॉट ओवर योर, फुल स्टॉप डाला, स्मॉल डॉट, ओके. नाउ राइट ओवर योर नेम्स, एन ए एम ई एस, नंबर नेम्स, पुट ओवर योर टू डॉट्स, टू डॉट्स डाला है क्योंकि मैथ्स में अपने को थर्ड नंबर से चालू करना पड़ता है, थर्ड लाइन से, ठीक है, तो आपको यहाँ पर टू डॉट्स डालना है. ओके टीचर ऑलरेडी शोड यू ऑल हाउ टू राइट अ पुट द टू डॉट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर टू डॉट्स डालते, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन. ओके नाउ नंबर नेम्स, ओके ये सेट ऑफ नंबर्स हो गए आपके लिख के 85 to 100, आपने लिखा ये सेट ऑफ नंबर्स 85 to 100, नाउ यू हैव टू राइट नंबर नेम्स. ओके नाउ सी पे अटेंशन, जो भी टीचर नंबर्स देगी उसी की स्पेलिंग अभी आपको लिखना है, टीचर आपको स्पेलिंग नहीं बताएगी, आपको आती है सबकी स्पेलिंग, टीचर ने आपको रिवीजन में भी कराया, एचडब्ल्यू बुक में भी कराया, आपको आता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ओके सो यहाँ पर फर्स्ट नंबर डालो 9, ऐसा डैश डैश डालो, इक्वल टू साइन, फिनिश. फर्स्ट कौन सा नंबर लिया आपने, 9 इज इक्वल टू, तो आपको यहाँ पर 9 की स्पेलिंग लिखनी है. ओके लीव वन बॉक्स, राइट योर नेक्स्ट नंबर 3, 3 डैश डैश, लिखा आपने 3 इज इक्वल टू, यू हैव टू राइट स्पेलिंग ऑफ 3. ओके ना लीव वन बॉक्स, राइट ओवर योर 7 डैश डैश, ओके यू हैव टू राइट द स्पेलिंग ऑफ 7, 7 इज इक्वल टू, 7 की स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है. ओके नाउ यू लीव वन बॉक्स एंड राइट 4, नंबर 4, फिर यहाँ पर इज इक्वल टू की साइन, डन, लिखा आपने अच्छे से कॉपी किया टीचर के साथ साथ, 9 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, हो गए लिख के आपके. ओके नाउ लीव वन बॉक्स और यहाँ पर लिखो नेक्स्ट नंबर 2, लिखा आपने 2 डैश डैश डालो, यहाँ पर 2 इज इक्वल टू, ओके यहाँ पर 2 की स्पेलिंग लिखनी है. एंड नाउ लास्ट नंबर 8 की यहाँ पर स्पेलिंग लिखनी है, ओके 8 इज इक्वल टू, ओके यू आर डन चिल्ड्रेन. नंबर नेम्स, 9 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू एंड 8 इज इक्वल टू, सो हियर यू हैव टू राइट, वंस यू हैव रिटन द नंबर्स ओवर हियर यू हैव टू राइट द स्पेलिंग ऑफ 9. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 9, आती है ना आपको, कम ऑन क्या है स्पेलिंग है 9 की, टीचर ने आपको लिखाया था ना. ओके सो यहाँ पर आपको 9 की स्पेलिंग लिखनी है, NINE 9, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल और बाकी का सब स्मॉल लेटर्स में, अच्छे से स्मॉल लिखने का है. आप लोग क्या करते हैं, सब एक ही साइज में लिखते हैं. ओके नाउ हियर 3, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 3, THREE 3, सो ओनली द टी शुड कम कैपिटल, रेस्ट ऑल द लेटर्स शुड बी स्मॉल. ओके यहाँ पर 7, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 7, SEVEN 7, ओनली एस शुड बी कैपिटल. 4, 4 इज इक्वल टू FOUR 4, ओनली F कैपिटल लिखना है, बाकी का
स्मॉल लेटर्स लिखते हैं, स्पेलिंग ऑफ टू, टी डब्ल्यू ओ टू, टी शुड बी कैपिटल, ओके। एट, ई आई जी एच टी, ई आपको कैपिटल लिखने का है और जी आपको टीचर ने जैसे बताया वैसे ही जी लिखने का है, ऐसे बिलो, ओके। एंड टी आपको आता है ना, टीचर ने जैसे बताया था टी वैसे ही लिखना है, ओके। सो टीचर ने क्या पूछा एग्जाम में, व्हाट टीचर आस्क्स, टू सेट ऑफ नंबर्स, एक सेट पूछा है 60 to 75 नंबर्स, ओके। वंस यू आर डन, ऐसा बैक साइड पेज पे आपको लिखने का है 85 to 100, ओके। एंड स्पेलिंग्स लिखनी है, नंबर नेम्स, ओके। वी आर डन विथ एरिक राइटिंग, ओके। चलो, थैंक यू सो मच पेरेंट्स फॉर द एफर्ट्स यू हैव टेकन, थैंक यू चिल्ड्रेन, बाय, टेक केयर।